जा रही है, बाय कर दो। नोनी घूमने गई, बाय करो, बाय। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये भैया के साथ पिलो फाइटिंग हो रही है। तो गाइस आज मेरी मम्मी और सिस्टर आने वाली थी, इसलिए रात को ही मैंने राजमा भिगो के रख दिए थे, क्योंकि आपको पता ही है घर में अगर मम्मी और सिस्टर आ जाएं तो फिर तो काम हो ही नहीं सकता कोई, आप इतने गॉसिप में लग जाते हो। तो यहाँ मैंने फटाफट सारी तैयारियां करके रख दी थी। तो नाश्ते में मैं बनाने वाली हूँ आज मूली की परौंठी, और राजमा का मेरा तड़का यहाँ पर बनकर रेडी हो रहा है, और साथ ही साथ मैं नाश्ते की भी तैयारी साथ साथ ही कर रही हूँ, और तड़का भी बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब इसने घी भी पूरा छोड़ दिया है, तो राजमा भी हमारे अब बिल्कुल बनकर रेडी है। तो ये मूली के परौंठे की मैंने पूरी तैयारी कर ली है और सब कुछ काट के रख लिया है। और यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताती हूँ जिससे आपके मूली के परौंठे कभी भी नहीं फटेंगे। बस आप मसाला जब रेडी कर लो उसमें एक चम्मच आटा मिक्स कर देना अच्छे से, तो आपके मूली के परौंठे कभी भी फटेंगे नहीं। तो घर की क्लीनिंग भी हो चुकी है और बाकी सारे काम साथ साथ चल रहे हैं यहाँ पर, और मेरी किचन की भी पूरी क्लीनिंग हो गई है, बस उन्हीं का ही वेट हो रहा है। और कुछ थोड़ा बहुत बच्चे आने वाले थे तो कुछ सामान था जो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया। तो सिस्टर और उसकी बेटियाँ तो आ गई थी, पर मम्मी हमारी हो गई लेट, अक्सर ही वो लेट हो जाती हैं। एक तो एक्चुअली वो जब तक घर का पूरा काम इधर उधर से सिमटा नहीं लेती हैं वो कभी भी निकलती ही नहीं घर से, और हम लोग उनका वेट ही करते रहते हैं। तो मम्मी का ही वेट कर रहे थे और हो गए थे काफ़ी लेट, सो इसीलिए हमने लंच पहले ही कर लिया, और ऑलरेडी 4 बज चुके थे तो हमने कहा पहले बच्चों को भी भूख लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।